हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कोकोनट लड्डू बनाने जा रही हूँ। ये बड़ा ही स्वादिष्ट रेसिपी है। तो त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है, मैं सोची आज मीठे की शुरुआत करते हैं। तो अगर आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम नारियल का लड्डू बनाना शुरू करते हैं। नारियल के लड्डू बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 100 ग्राम नारियल का बुरादा, 100 ग्राम हमने मावा लिया है, 100 ग्राम शक्कर पाउडर लिया है, बादाम, कुटी हुई इलायची पाउडर। अब हम गैस की तरफ चलेंगे। तो गैस पर हम एक कढ़ाही रख लेंगे और गैस को ऑन कर लेंगे। कढ़ाही को हम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे और गैस के फ्लेम को एकदम स्लो कर लेंगे। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे नारियल का बुरादा और इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए 2 मिनट तक भूनेंगे। इससे इससे क्या होगा, नारियल का तेल उभर के निकल आएगा और इसमें एक अच्छी सी खुशबू आएगी। तो हम इसे चलाते हुए 2 मिनट तक भूनेंगे। ध्यान रहे आप बराबर चलाते रहें, नहीं तो पेंदी में लगने के बाद कोकोनट का टेस्ट चेंज हो जाता है। आप देख सकते हैं नारियल हल्का हल्का सुनहरा हो गया है। तो इसे हम थोड़ी देर और भूनेंगे। अगर मोटी पेंदी की कढ़ाई हो तो ये अच्छे से भून जाता है, नहीं तो नॉन स्टिक में आप इसे फ्राई कीजिए। अब 2 मिनट हो चुके हैं, हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और नारियल को चलाते रहेंगे क्योंकि कढ़ाई अपनी गर्म है। तो हम आधा मिनट तक इसे चलाते रहेंगे। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम मावे को क्रम्बल कर लेंगे। मावा आसानी से मैश जाता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे हम मावे को धीरे धीरे क्रम्बल कर लेंगे। अब हम मावे को भूनेंगे। तो हम गैस की तरफ चलेंगे, गैस को हम ऑन कर लेंगे और उसी कढ़ाही में हम मावा को डाल के चम्मच से चलाते हुए सॉफ्ट करेंगे। ये बहुत ही आसानी से पिघलने लगता है जब ये घी छोड़ देगा। मावा को हम ऐसे प्रेस कर करके चलाएंगे तो मावा अपना पिघलने लगा है। गैस का फ्लेम हम एकदम लो रखेंगे। आप देख सकते हैं मावे से घी छोड़ने लगा है। इस स्टेज पे हम शक्कर डालेंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। मावा शक्कर के साथ मिक्स हो गया है। अब हम इसके साथ ही डालेंगे भुना हुआ कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर आप घर पे भी बना सकती हैं। अगर नहीं हुआ तो आप मार्केट में तो मिलता ही है, लेके आ सकते हैं। अब हम तीनों सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हम बराबर चलाते रहेंगे। तो हमने मावा को नारियल और शक्कर के साथ ऐसे चला चला के मिक्स कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कढ़ाही में अपना मावा अलग होने लगा है। ये सारे मिक्सर कढ़ाई को छोड़ने लगे हैं। इस स्टेज पे हम डालेंगे इलायची पाउडर।
इलायची पाउडर हमने दरदरा किया है, आप चाहें तो इसे बारीक भी पीस सकते हैं। और इसे हम 1 मिनट तक भूनेंगे, तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि ये अभी गर्म है, इसे हम ठंडा होने के लिए निकालेंगे। तो हमने प्लेट में सारे मावा को नारियल और शक्कर का मिश्रण निकाल लिया है। नारियल का मिश्रण ठंडा हो गया है, ठंडा मतलब हम हाथ में इसे अच्छे से उठा पा रहे हैं। तो हम एक साइज से ऐसे मिश्रण को उठाएंगे और हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए हाथ के हथेली पे इसे गोल शेप दे देंगे। और गरम गरम लड्डू पे ही हम एक बादाम को लेके ऐसे प्रेस कर देंगे और एक प्लेट में हम इसे रख देंगे। और ऐसे ही हम सारे मिश्रण का लड्डू बनाएंगे। तो हम इतना सा उठाएंगे और हल्का सा ऐसे दबाते हुए हथेलियों से इसको गोल शेप दे देंगे और एक बादाम को लेके हम ऐसे प्रेस करेंगे। बादाम के जगह पे आप काजू भी डाल सकती हैं, पिस्ता भी डाल सकती हैं। तो हम थोड़े थोड़े मिश्रण का ऐसे ही लड्डू बना लेंगे। ये बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, इसे आप फलाहारी में भी खा सकती हैं, या सुबह मन करे शाम को, लंच में, डिनर में, कभी भी इसे ले सकते हैं। तो हम ऐसे सारे लड्डू को बना लेंगे। कोकोनट लड्डू बनकर तैयार है, इसे आप भी बनाइए और टेस्ट कीजिए। अगर आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।